नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आपको दिखाई दे रही हैं विधा लाल जी, जो कथक के प्रतिष्ठित घरानों में से एक, बल्कि कहना चाहिए सबसे प्रतिष्ठित घरानों में से एक, जयपुर घराने की प्रतिनिधि नृत्यांगना है। बहुत ही जाना माना नाम है उस घराने के नुमाइंदगी के तौर पर, कलाकारों के तौर पर। और आज इस इंटरव्यू में हम उनसे उनके बचपन से लेके अब तक का जो उनका कला सफर रहा है, नृत्य का सफर रहा है, उन सब पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले विधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवेंद्र जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर टॉक शो। तो शुरुआत तो जैसा मैंने आपके परिचय में कहा कि बचपन से लेकर अभी तक आएंगे, तो पहले तो थोड़ा सा रिवाइंड का बटन दबाते हैं और चलते हैं थोड़ा बचपन में। हालांकि बहुत ज्यादा समय ऐसा कोई नहीं बीता है आपके बचपन का, लेकिन बचपन में ये कथक करना है, ये कहाँ से संस्कार आए पहली चीज, और दूसरी चीज ये कि ये परंपरा क्या परिवार में पहले से थी। ये दो बुनियादी प्रश्न के साथ इस इंटरव्यू को शुरू करते हैं जी। सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत नमस्कार मेरा। शिवेंद्र जी, मैंने अपने कथक नृत्य की शिक्षा नई दिल्ली कथक केंद्र, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक कहते हैं, वहां से लेना शुरू किया था, गुरु श्रीमती गीतांजलि लाल जी के सानिध्य में। मैं जिस परिवार से बिलोंग करती हूँ, वहां कोई भी आर्टिस्ट नहीं है, एक भी आर्टिस्ट नहीं है, तो आप ये कह नहीं सकते कि मेरे जीन्स में वो चीज है। बट हाँ, शायद मुझे भगवान ने चूज किया था, चुना था इस विद्या को सीखने के लिए। तो एक्चुअली मेरे जो पिताजी हैं, उनका बड़ा रुझान रहा हमेशा से संगीत की तरफ, और वही चाहते थे कि उनकी बेटियां, हम तीन बहनें हैं, तो उनका मन था कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा को करिकुलर भी बच्चे सीखें। तो सबसे पहले मेरी बड़ी बहन ने डांस सीखना शुरू किया गुरु माँ के पास ही, और उसके बाद मेरा भी एडमिशन हुआ, क्योंकि मैं घर में सबसे ज्यादा डांस और गाने को बहुत पसंद किया करती थी, तो मेरा रुझान ज्यादा था उस तरफ। तो मतलब बहुत प्यार से कथक केंद्र जाती थी और डांस सीखती थी, तो इसी तरह से मेरे नृत्य की शिक्षा वहां पर शुरू हुई। मैं उस वक्त 6.5-7 साल की थी जब मेरा एडमिशन कथक केंद्र में 1989 में हुआ था, और कथक केंद्र में 13 साल का जो कोर्स है वो मैंने किया, और उसके बाद अपने गुरु के अंडर, गुरु शिष्य परंपरा जिसे कहते हैं, उस विधि से मैंने उनके अंदर कथक नृत्य की शिक्षा प्राप्त की। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इंटरेस्टिंग है कि अमूमन दो तरह के कलाकार होते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ। एक जो बहुत ही परंपरागत तरीके से, पता चला साहब 200 साल की परंपरा है, 400 साल की परंपरा है, 13वीं पीढ़ी है, 14वीं पीढ़ी है, 15वीं पीढ़ी है, और दूसरी तरफ आपके जैसे कलाकार हैं जिनके परिवार में कला से डायरेक्ट रिलेशनशिप दूर दूर तक किसी की नहीं थी, लेकिन एक एक संस्कार था, एक शौक था, और ये चाहत थी कि अपने बच्चों को कुछ सिखाएं जो उनका अपना हो, नितांत उनका अपना हो, वो चाहे नृत्य हो, चाहे संगीत हो, या चाहे कोई इंस्ट्रूमेंट हो जो वो सीखें, और उनके व्यक्तित्व के गढ़ने में वो कला उनके लिए काम आए। कथक ही क्यों, ये एक बहुत बुनियादी प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाता होगा। आप पर अगर नृत्य के भी कई सारे फॉर्म्स हैं, शास्त्रीय नृत्य के तमाम सारे फॉर्म्स हैं, कुछ भी हो सकता था, प्रॉपर शास्त्रीय संगीत हो सकता था, दिल्ली में शास्त्रीय संगीत के भी अच्छे संस्थान थे, कथक होगा, ये कैसे तय हुआ? तो शिवेंद्र जी, इसको तय करने में मेरा कोई हाथ नहीं है, क्योंकि ऐसा मैंने आपको बताया कि पिताजी ही चाहते थे कि मैं डांस सीखूं, और मेरे पिताजी जर्नलिस्ट है और हिंदी न्यूज़पेपर में काफी साल उन्होंने काम भी किया, और दिल्ली दूरदर्शन के न्यूज रीडर भी रह चुके हैं। तो शायद उनके दिमाग में बात थी कि एकमात्र हिंदी भाषी क्लासिकल डांस जो है वो कथक ही है, जो कि उत्तरी भारत का रिप्रेजेंटेटिव है, और इसको समझना और उसमें डांस को अपने मतलब खूबसूरती से उसको प्रेजेंट कर पाना, जो हिंदी भाषी हैं, जो नॉर्दर्न बेल्ट, जो नॉर्दर्न इंडिया में रहते हैं, उनके लिए शायद आसान हो। तो मुझे लगता है कि यही उनके दिमाग में विचारधारा रही होगी, नहीं तो उन्हें वैसे तो सारे क्लासिकल डांस फॉर्म्स पसंद हैं, बट शायद उन्होंने कुछ रिसर्च करने के बाद ये पता किया होगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक जो कि दिल्ली में है, इससे अच्छा कोई इंस्टीट्यूट हो नहीं सकता, तो इसी वजह से उन्होंने मेरा एडमिशन कथक नृत्य में करवा दिया। शायद अगर वो भरतनाट्यम सिखाते तो आज मैं भरतनाट्यम डांसर होती, या उड़ीसी सिखवाते तो मैं उड़ीसी डांसर होती,
बट ये जो मेरे जो डेस्टिनी जो जो लिखी थी वो तो मेरे पिताजी ने लिखी थी, तो उन्होंने ही मुझे कथक से रूबरू करवाया। लेकिन देखिए बहुत सीधा रिश्ता है, आपने बहुत उसको मतलब कहते हैं कि बहुत ही आसानी से डिफाइन कर दिया कि चूंकि उत्तर भारत के नृत्य के तौर पर अगर देखा जाए, जहां पर हमारी बोली और हमारे हमारे कथानक जो होते हैं वो सब कुछ अगर दिखते हैं तो वो कथक में सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं, संभवतः यही एक वजह रही होगी। खैर विधा ये भी बताइए कि जिस दशक में आप कथक केंद्र दिल्ली में गई, तब का कथक केंद्र और अब का कथक केंद्र, जमीन आसमान का फर्क है। अब तो खैर कथक केंद्र वहां है भी नहीं जहां आप जाती रही होंगी, लेकिन उस समय की दिल्ली और उस समय की दिल्ली का कथक केंद्र, क्या कुछ वहां का याद आता है? उस समय किस कौन कौन से कलाकार थे जो वहां पर आते थे? वो सारे निश्चित तौर पर भारत के बड़े मूर्धन्य कलाकार हुए, लेकिन आप उस समय के अनुभवों को याद करके बताइए। जी हाँ, वो सारे अनुभव मेरी आंखों के सामने बहुत ही ताजा है, जैसे कि कल की ही बात हो, क्योंकि मैं बहुत अमेज्ड होती थी वहां पर जाके। सबसे पहली बात, उस समय की दिल्ली बहुत सेफ होती थी, हम बसों में ट्रैवल किया करते थे। मैं अभी अपने एक शागिर्द को बता रही थी कि 2 से 2.5 रुपए की मेरी टिकट लगती थी बस की, मेरे घर से 13 किलोमीटर दूर कथक केंद्र हुआ करता था। तो मम्मी से हम कहते थे कि आज ऑटो में लेके चलिए, बस में भीड़ होती है। तो कहती थी बेटा ऑटो के पैसे के बदले मैं तुम्हें जूस पिलाऊंगी, क्योंकि तुम बहुत मेहनत करोगी, उसके बाद तुम्हें जूस पिलाया जाएगा, तो ये पैसे वेस्ट मत करो ऑटो में। तो बसों में जाते थे और उस समय टाइम बहुत होता था, ऐसा लगता जैसे आज के टाइम में किसी के पास टाइम नहीं है। उस समय समय बहुत होता था और हर चीज के लिए समय भी निकल जाता था। मैं स्कूल भी जाती थी, स्कूल से आकर मम्मी मुझे कथक केंद्र लेके जाती थी क्योंकि मैं छोटी थी। और कथक केंद्र के उस प्रांगण में घुसते ही जो घुंघरों की खनखनाहट सुनाई देती थी, जो वो जो नाद सुनाई देता था, वो आपको ऐसा अट्रैक्ट करता है किसी को भी। मैं सिर्फ एक इसलिए नहीं कहूंगी कि मेरे अंदर वो आर्टिस्ट है, पर जो नॉन आर्टिस्ट हैं उनके लिए भी वो जो नजारा था वो बहुत खूबसूरत होता था। सारी क्लास के बच्चे बाहर, अपनी क्लास के बाहर अपनी क्लास का इंतजार कर रहे हैं और बाहर जमीन पर रियाज कर रहे हैं, जो कि खुरदरी है। क्लासों में सिर्फ एक पंखा है जो कि बड़ी मुश्किल से एक के बाद दूसरी स्पीड पे चलेगा कि नहीं चलेगा ये भी नहीं पता, लेकिन कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंप्लेंट्स नहीं होते थे। और मतलब जैसे बड़े गुरुओं को हम देखते थे, मेरी खुद की गुरु गुरु गीतांजलि लाल जी, उनका ऑरा ऐसा था कि मैं तो घंटों उनको सिर्फ पहले देखती ही रह जाती थी, उनकी खूबसूरती को, उनकी बात करने के अंदाज को। तो मैं वो क्या कह रही हूँ वो ध्यान नहीं होता था, पर उनके ऑरा में ही मैं खो जाती थी। फिर जब मैं स्टूडेंट थी तब पंडित बिरजू महाराज जी वहां के डायरेक्टर भी थे कुछ सालों के लिए, तो उनका वहां पर होना और उनको छुप छुप के देखना, क्योंकि हम छोटे बच्चे थे तो डर लगता था क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती हमारे सामने, तो छुप जाते थे, तो छुप के उनको निहारते थे कि अरे वाह ये ऐसे बात करते हैं, इन्होंने कितना अच्छा कुर्ता पहना है। या फिर गुरु उर्मिला नागर जी, वो वहां पर नृत्य की शिक्षा देती थी, गुरु रेबा विद्यार्थी जी, गुरु मुन्ना शुक्ला जी, सारे जितने बड़े गुरुज हैं उनको हमने देखा है वहां पर। और मुझे लगता है कथक केंद्र के उस जगह में कुछ ऐसी बात थी, बहुत बहुत आशीर्वाद था उस जगह में। बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं होने के बावजूद इतनी पॉजिटिविटी थी वहां पर कि मन नहीं करता था कि अब मैं घर जाऊं, जबकि मैं छोटी बच्ची थी। जब मुझे कथक केंद्र आना होता था तब मेरे सारे दोस्त पार्क में खेलते थे, उनका खेलने का वक्त होता था, मुझे कथक केंद्र जाना होता था दोस्तों को छोड़ के। मैं खुशी खुशी जाती थी क्योंकि वो जगह मुझे खींचती थी अपनी तरफ। वहां कुछ मतलब वो जगह एक ड्रीम लैंड की तरह थी, ड्रीम वर्ल्ड था वो मेरे लिए। आज का कथक केंद्र, मैं कहूंगी कि कथक केंद्र ने बहुत प्रगति की है और आई थिंक परिवर्तन बहुत जरूरी है, समय के साथ सबको आगे बढ़ना चाहिए। और कथक केंद्र आज जहाँ पर है, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है कथक केंद्र की, उन बच्चों को वो सारी फैसिलिटीज हैं जो हमें कभी नहीं मिली। उनके पास अपने अपने इतने अच्छे बढ़िया वुडन फ्लोर वाले क्लासरूम्स हैं, जबकि हमें कंक्रीट फ्लोर पे या कई बार यानी जैसे आपको बताया खुरदरी जमीन पे, क्योंकि क्लासरूम में इतनी जगह नहीं है, तो नीचे कहीं बाहर सड़क पे जाके डांस कर रहे हैं, पार्क में रियाज कर रहे हैं। और क्योंकि पुराने कथक केंद्र के बिल्कुल बगल में NSDB होता था, तो वहां भी हम आर्टिस्ट को, सारे एक्टर्स को प्रैक्टिस करते देखते थे, उनके डायलॉग्स रिहर्स कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग तत्कार के प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वो पूरी जगह ही इतनी खूबसूरत आर्टिस्टों से भरी है कि खैर उसकी तुलना नहीं की जा सकती, वो कंपैरिजन नहीं हो सकता। आज का कथक केंद्र आज के जमाने के हिसाब से ठीक है, आज के बच्चों के लिए बिल्कुल सही है, पर
पर हमारे लिए तो वही सही था क्योंकि हमारे पास मोबाइल फोन नहीं थे, तो हम लोगों को वो सब चीजें सीखना बहुत इम्पोर्टेंट था वहां पर, दूसरों को देखना, सीनियर्स को देखना क्लासरूम में जा जाके. हम दूसरों दूसरे गुरुज की क्लास में जाते थे, दूसरे स्टूडेंट्स को, सीनियर्स को डांस करते हुए देखते थे और हमें अलाउड होता था. और बहुत पॉजिटिविटी थी, एक दूसरे के लिए बहुत पॉजिटिविटी थी. अभी क्या है कि बच्चे, हाँ जी, नहीं नहीं आप अपनी बात पूरी कीजिए. पॉजिटिविटी अभी भी है, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, क्योंकि उनके पास सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है अपने आप को शोकेस करने के लिए. हम कम से कम 8-9 साल तक मंच नहीं देख पाए थे और हमें अलाउड भी नहीं था, क्योंकि वो गुरु कहते हैं कि कम से कम 8 साल की तो शिक्षा प्राप्त कर लो, उसके बाद सोचेंगे कि तुम्हें मंच मिलना चाहिए कि नहीं. तो वो गुरु का कहना हमारे लिए पत्थर की लकीर थी. मजाल है कि गुरु ने कहा कि प्रोग्राम नहीं करना बाहर, तो उसके बाद दोबारा कहीं छुपके जाके प्रोग्राम करके आ गए, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं किया. तो जैसे जैसे गुरु ने कहा वैसे वैसे किया, और वो गुरु का आशीर्वाद ही है कि यहाँ तक पहुंच पाए. तो बगल में ही बंगाली मार्केट है और दिल्ली के लोग तो वो चाट पकौड़ी और चटनी और इससे बड़े शौकीन होते हैं, तो कभी ऐसा मन नहीं किया कि क्लास वास बंक करके चलें, जरा उधर भी एक राउंड घूम के आ जाएं? और दिल्ली सेफ थी, आपको याद ही होगा, तो मतलब ऐसा कोई डर नहीं था. आज शायद डर लगता होगा, लेकिन उस वक्त तो कभी ऐसा लगा कि चलें जरा घूम के आते हैं, 10 कदम पीछे जाना है? तो आपको मैं बताऊं, बड़े मजेदार बात है कि हमारे गुरु ही हमें ले जाते थे गोलगप्पे खिलाने के लिए क्लास के बाद. कि जैसे अच्छा कुछ बहुत अच्छी क्लास की और बहुत जम के रियाज किया, तो इतनी खुश हो जाती थी कि सब बच्चों को अपनी गाड़ी में भर के खुश होके कहेंगे आज चलो तो मैं गोलगप्पे खिलाती हूँ और आज तो मैं चाट पापड़े खिलाती हूँ. तो बंक कर, देखिए वो जगह ऐसी थी कि वो बंक करना, स्कूल बंक हो जाएगा, घर की शादी ब्याह बंक हो जाएगा, क्लास बंक नहीं होगी. मुझे अभी भी याद है एक बार बसों की स्ट्राइक थी और 3 घंटे में एक बस जा रही थी, जिस बस से मैं ट्रैवल करती थी वो बस, क्योंकि स्ट्राइक थी तो सिर्फ 3 घंटे में एक बस आती थी और बसों के ऊपर तक लोग भरे थे. लेकिन मेरा डेडिकेशन था कि आज तो मुझे कथा केंद्र पहुंचना ही. मैं उस जिसमें लोग बाहर लटके पड़े हैं उस बस में चढ़ के कथा केंद्र गई हूँ. कुछ बंक मतलब कोई बहाना था ही नहीं. बहाना ये होता था कि घर का कोई काम कैसे बहाना मार के कहूँ कि नहीं मुझे तो कथा केंद्र जाना, ये मैं नहीं कर सकती. पर कथा केंद्र और क्लास तो कभी बंक नहीं किया, क्योंकि हमारे गुरु भी बहुत खुले विचार की रही हमेशा से. उन्होंने हमें सब कुछ करने दिया बचपन में, खुद हमारे साथ होती थी वो सब हमारी मस्ती में. तो वी यूज्ड टू एंजॉय अ लॉट. अच्छा विदा, मैंने मतलब इतने कलाकारों से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम बात करते आ रहे हैं, बहुत कम कलाकार ऐसे मिलते हैं जो जिस गुरु के पास गए उसी के पास फिर उन्होंने अपनी पूरी तालीम ली, उसी गुरु के निर्देशन में कह लें या उसी गुरु की देख रेख में वो उनके अंदर का कलाकार जो है वो गढ़ा गया. वरना होता क्या है कि हमने एक कलाकार के साथ शुरू किया, फिर उसके बाद लगा कि नहीं अब मुझे इससे ज्यादा कुछ और बेहतर चीजें सीखनी है या कुछ और अपने आप को अपडेट करना है, दूसरे कलाकार के पास गए. आपको कभी ऐसी जरूरत ही नहीं महसूस हुई, या आपको लगा कि नहीं जो मुझे गुरु ईश्वर ने दिया है वो अपने आप में इतना संपूर्ण है कि अगर उनका ही कुछ परसेंटेज सीख लें तो वही पर्याप्त है, 1-2 जीवन तो उसी में निकल जाएगा? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुझे कभी ऐसा सोचा भी नहीं मैंने, क्योंकि मेरे गुरु के पास इतना ज्ञान है, चाहे वो लय की बात हो चाहे वो अभिनय की बात हो. उन्होंने विधिवत शास्त्रीय संगीत की तालीम ली है, उन्होंने तबले की तालीम ली, उन्होंने भरतनाट्यम भी सीखा, उन्होंने मणिपुरी भी सीखा, उन्होंने बनारस घराना, जयपुर घराना और लखनऊ घराना, तीनों घरानों का मिश्रण उनमें है. तो मैं कहाँ जाऊं, मेरे पास तो संसार वही उन्हीं के चरणों में है. तो मुझे तो कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं कहीं, हाँ मैं सारे गुरुओं को देखती हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है सभी गुरु का. बहुत मतलब वो गुरु है यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है. लेकिन हाँ कभी गुरु अपने गुरु को छोड़ के किसी और गुरु से कुछ भी सीखूं ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा, क्योंकि मुझे लगा कि आज मैं जो भी हूँ अपनी ही गुरु की वजह से हूँ, तो मैं मरते दम तक अपने गुरु के साथ हूँ, इनका साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगी. अच्छा मैं 99 में पहली बार दिल्ली आया और जो थोड़ी देर पहले आप बात कह रही थी कि उस NSD और कथक केंद्र के प्रांगण में कुछ ऐसा करिश्मा है कि वहां पर जो कथक सीख रहा है या जो अभिनय सीख रहा है उसके लिए तो वो मंदिर है ही, जो इन चीजों में सिर्फ दिलचस्पी रखता है, जिसको सुनने का शौक है, जिसको देखने का शौक है, वो भी अगर वहां गया तो फिर वो थोड़ी देर तक मेस्मराइज रहता है, थोड़ी देर तक वो मंत्रमुग्ध रखता रहता है कि वो देख क्या रहा है. और उस तरह के लोगों में से मैं हूं. मैं जब आया दिल्ली तो भले ही पढ़ाई पत्रकारिता की कर रहे थे, उसके बाद फिर नौकरी करने लगे, लेकिन अगर NSD की तरफ चले गए
तो 1.5-2 घंटे वहां बीत ही जाते थे। और ये वही वक्त है जब एनएसडी के नाटक देखने का शौक चढ़ा या फिर सामने कामानी में चले गए कार्यक्रम देखने। सवाल जो मैं पूछने आ रहा था वो ये कि मैंने आपकी गुरु और गीतांजलि जी के लिए देखा कि उनके व्यक्तित्व में, मतलब अभी उनकी उनके अंदर के कलाकार को हटा देते हैं, सिर्फ एक एक व्यक्तित्व की बात अगर आप करें, वो हॉल में आती थीं तो वो कुछ उनके अंदर एक ऐसा ग्रेस मैंने देखा। तमाम लोग अगर आपस में बात भी कर रहे हैं तो वो छोड़ के जाके दीदी आ गई और हर कोई उनका चरण स्पर्श कर रहा है। मतलब शुरू में जब मैं उनको नहीं जानता था, चूंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो मुझे लगता था कि कौन है ये, कौन ये ऐसी महिला है कि जो आती है हॉल में तो लोग जाते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनसे आशीर्वाद देते हैं और वो बहुत ही संतुलित, बहुत ही काम। ये जो सहजता उनकी उनके अंदर है, उनके व्यक्तित्व की जो सहजता है, ये क्या वो सहजता उनके गुरु वाले रोल में भी है, या गुरु के रोल में वो थोड़ी सख्त हैं, गुरु के रोल में वो थोड़ा डांटती तपटती भी हैं, किस तरह का व्यक्तित्व है उनका एक गुरु के तौर पर? गुरु के तौर पर तो मुझे लगता है हर गुरु को स्ट्रिक्ट होना ही पड़ता है, नहीं तो शागिर्दों के अंदर वो जो वो चाहते हैं कि शागिर्द बन जाए वो नहीं बनता। जब तक मूर्ति बनाने के लिए भी पत्थर को ठोक पीट के खूबसूरत बनाना पड़ता है, तो हम भी उसी तरीके से पत्थर, रॉ पत्थर उनके सामने से। खैर, मैंने कभी अपनी गुरु से डांस के लिए डांट नहीं खाई, ये मैं बोल मैंने हमेशा उनको खुशी किया है, क्योंकि वो जैसा चाहते हैं कि ऐसा करना है तो झट से वैसा किया, या कुछ होमवर्क दिया है तो मैं करके आई। बट हाँ, वो अपने काम के लिए बहुत स्ट्रिक्ट हैं, सिर्फ काम के लिए, पर ऐसा नहीं है कि वो मतलब उस काम की वजह से पर्सनली किसी के साथ कोई ग्रजेस निकाले या किसी को बिना बात के डांट दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए उनके साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं उनके स्टूडेंट्स, क्योंकि डांट भी जरूरी है, गुरु की डांट एक आशीर्वाद की तरह होती है, तो इतनी डांट तो हर गुरु को लगानी भी चाहिए, नहीं तो शागिर्द कुछ नहीं सीख पाएंगे। और ये मैंने देखा है उनको, उनकी डांट जिस जिस स्टूडेंट को पड़ी है वो स्टूडेंट बहुत आगे निकल गए, तो उनकी डांट इज लाइक अ ब्लेसिंग। तो बच्चे कई बार आते हैं कि गुरु जी आप हमें डांट दो 2-3 बार, हमारा भी कुछ हो जाएगा। विधायलाल जी के साथ इस बातचीत में यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं। कल रात जुड़िएगा एक बार फिर हमसे ठीक 9 बजे और देखिएगा इस बातचीत का दूसरा हिस्सा और साथ ही साथ उनके कार्यक्रमों की कुछ झलकियां भी।